बैक टू यूट्यूब चैनल। हाय दिस इज योर गर्ल शामली और आज मैं लेके आ गई एक प्यारा सा कुर्ती हॉल एंड दैट इज फ्रॉम मीशो। तो मैंने एक पोल डाला हुआ था, तो उस पोल में मैंने पूछा था कि आप नेक्स्ट हॉल कौन सा देखना पसंद करोगे। तो मुझे दो आंसर आए थे, एक कुर्ती हॉल का आया था और दूसरा स्कर्ट्स का आया था मीशो से। तो आई एम सो सॉरी, मैं अभी हूँ अपने घर पर तो मेरा थोड़ा स्पेस का इशू है। तो स्कर्ट हॉल मैं मुंबई वापस जाने के बाद बनाती हूँ और कुर्ती हॉल मैं ले आई हूँ फिर से। मैं से पहले ऑलरेडी 3 लगातार टॉप हॉल अपलोड कर चुकी हूँ, एक मिंत्रा से और 2 मीशो से। तो इस बार मैं कुछ टॉप हॉल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, बट या आप लोगों का रिक्वेस्ट था तो हमें तो बनाना ही था। हम सबको पता है कि मीशो पर ना एक अच्छा कलेक्शन ढूंढना कितना मुश्किल होता है। सो मैंने बहुत ढूंढ के चुन चुन के आपके लिए कुछ सिलेक्टिव कुर्तीज निकाली है एंड ये हॉल बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, सिर्फ 234 रुपीज से स्टार्ट है एंड 370 पे आके फुल स्टॉप लग गया। और 370 तक भी 2 ही कुर्ती गई है शायद, बाकी सब 300 बिलो ही है। सो बेस्ट पार्ट इज कि आपको इतनी प्यारी प्यारी कुर्ती तो इतनी कम प्राइस मिल रही है एंड लेट मी टेल यू सारी कुर्तीज की क्वालिटी वर्थ है। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। लेट्स गेट स्टार्ट। शुरुआत करते हैं लोएस्ट प्राइस रेंज वाली कुर्ती से। ये है लॉन्ग कुर्ती एंड दिस इज अ ओनली कुर्ती जो लॉन्ग लेंथ की है, क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी कलेक्शन ढूंढने में। लेट मी टेल यू मटेरियल इसका वाकई बहुत वर्थ है। ये शोल्डर स्ट्राइप वाली है बट इसका नेक और स्लीव्स ऑलरेडी इतना प्रॉपरली दिया हुआ है कि बिल्कुल भी ओपन या वियर्ड नहीं लग रहा है, कि बहुत ज्यादा एक्सपोजिंग ओपन नहीं लग रहा है। समर्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इवन दो यू कैन कैरी इट इन ऑफिस एज वेल, बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगेगा, बहुत ही डिसेंट लग रहा है पहन के। जब मैंने पहना मुझे बहुत पसंद आया। यू कैन सी ये फुल लेंथ कुर्ती है बट स्टिल ये इतना लाइट वेट है ना, लग ही नहीं रहा है कि आपने कुछ कैरी किया हुआ है। बट एट द सेम टाइम सिंस दिस हैज अ ब्लैक कलर, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहन के बहुत कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात यह कि मीशो पर फिटिंग फिनिशिंग क्वालिटी सब कुछ मिल जाना चमत्कार होता है, प्लस विद इन अ बजट, और इसमें हमें सब कुछ मिल रहा है। एंड कैन यू सी इसमें कर्व्स भी प्रॉपर दिए हुए हैं, लाइक टू मच भी नहीं लग रहा है और बहुत ही वियर्ड भी नहीं लग रहा है। मुझे परफेक्ट लगी है समर्स के लिए कुर्ती, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। तो मैं इसे 4.6 स्टार का रेट दूंगी। फेवरेट कुर्ती जो मुझे पड़ी है 365 रुपीज की। पहले ना मैं इसका स्काई ब्लू कलर मंगाने वाली थी, इसमें 3 कलर अवेलेबल थे, पिंक, एक फ्रोजी कलर स्काई ब्लू था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद येलो कलर ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा और पिंक तो सब पिंक हो ही जाता है ना, मैंने और भी पिंक इंक्लूड किया है, तो मैंने पिंक इसलिए सिलेक्ट नहीं किया। तो बहुत पसंद आया पहन के इतना प्रिटी लग रहा है ना। आई मीन ये बहुत सिंपल है बट इसकी वाइब पहन के बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रही है। क्योंकि ये सिंपल है तो आप इसे कैजुअली भी कैरी कर सकते हो आप आपके ऑफिस में कॉलेजेस में, बट स्टिल क्योंकि इसका कलर और इसकी वाइब इतनी प्रिटी लग रही है ना कि आप इसको छोटे मोटे स्पेसिफिक ओकेशन के लिए स्मॉल साइज मंगाया है। और मुझे लगा कि माइन और मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस होनी चाहिए थी क्योंकि इसकी शोल्डर पर भी आई हुई इलास्टिक, तो पहन के लग तो रहा है कि बिल्कुल रखा हुआ है, लूज नहीं हो रहा है, बट थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता अगर वो माइनोर फिटिंग का होता। पफ स्लीव्स वाला डिजाइन दिया हो गया है एंड वहां पर जाके एक पट्टी सी बनी हुई है, तो बेल टाइप का 3-4 स्लीव्स है इसकी। और या वो मुझे गाना याद आ गया, ढोली तारो ढोल बाजे, क्योंकि बिल्कुल ऐसी वाइब है इस कुर्ती की। सेम लेस जो आपको यहाँ दिख रही है नीचे पूरे में लगी हुई है, फ्रंट में भी दी हुई है वो, और वो बैक में भी दी हुई है, तो वो दोनों साइड दी हुई है। मतलब टिकाऊ कपड़ा है इस बार सबका और बहुत ही कंफर्टेबल है सबकी वाइब। सो मेक श्योर यू वॉच दी कम्प्लीट वीडियो, को स्किप मत कर देना ताकि आपको अच्छा कलेक्शन मिस ना हो जाए समर के लिए। जो बहुत प्रिटी लग रही है तो मैं इसे 4.9 स्टार का रेट देने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट अगेन बहुत ही प्यारी सी कुर्ती आपके समर वार्डरोब के लिए जो मुझे पड़ी है 238 रुपीज की। और इसकी वाइब बहुत ही कैजुअल सटल और बहुत ही प्यारी लग रही थी, आई मीन ऑफिस वियर के लिए तो जस्ट परफेक्ट है। एंड या मैंने स्मॉल साइज मंगाया और मुझे बहुत ही अच्छे से फिट हुआ था, ये कहीं से भी लूज नहीं लग रहा था क्योंकि माइनर इतना सा गैप तो दोनों साइड होना ही चाहिए ताकि बिल्कुल वो कसर कसर सा फील ना हो, पहन के थोड़ी सी कंफर्टेबल फीलिंग हो। स्लीव्स भी 3/4 है और स्लीव पर छोटू सा डिजाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसका कलर प्रिंट एवरीथिंग। ये जो आया है ना इसमें बटन वाला डिजाइन, वो सिर्फ डिजाइन है, इसमें आप ओपन करके नहीं पहन सकते, 3 बटन दिए हुए हैं उसमें। कुर्ते वाला ही डिजाइन है इसका बेसिकली, शॉर्ट भी नहीं है और लॉन्ग भी नहीं है, मीडियम लेंथ कुर्ता है कि आपकी थाइस तक आ रहा है ये, और बैक साइड बिल्कुल प्लेन कुर्ता है ये पूरा। तो इसकी वाइब काफी सटल सोवर सी सिंपल सी कंफर्टेबल सी क्यूट सी लग रही थी मुझे। प्रिटी डील है ये इस समर के लिए, काफी कंफर्टेबल है और दैट इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट, बट बिल्कुल भी पतला कपड़ा नहीं है ये। मोर कलर्स दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जाकर चेक कर लीजिएगा। और मैं इसको 4.5 का रेट कर, हमारी हॉल की शॉर्टेस्ट कुर्ती, दिस इज द ओनली कुर्ती जिसे आप एक्चुअल शॉर्ट कुर्ती बोल सकते हो क्योंकि ये एक्चुअली शॉर्ट है जिसमें टी शर्ट्स आती है। सो या ये मुझे पड़ी है 250 रुपीज की
और ये भी 3/4 स्लीव्स है इसकी। तब ब्लू और व्हाइट का कॉम्बो तो वैसे ही बहुत एथनिक और बहुत ही प्रिटी लगता है, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। वी नेक वाला डिजाइन है, आप देख सकते हो, नेक पर पट्टी दी हुई है। प्रिंट बैक साइड से बिल्कुल प्रिंटेड प्लेन है, मतलब एक जैसा ही प्रिंट है। और स्लीव्स पे दोनों तरफ दी हुई है, ये पट्टी सी बनी हुई है, नेक पर बनी हुई है। तो जो पट्टी नेक पर बनी हुई है वही उसकी स्लीव्स पर भी बनी हुई है। इधर भी सीख ये कर्व्स दिए हुए हैं, बहुत ही प्यार से बने हुए हैं। तो बहुत ही प्यारी फिटिंग आ रही थी मुझे पहन के, ये भी शायद मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है या सो। बहुत ही प्यारी फिटिंग आ रही थी, काफी लाइट वेट और काफी कम्फर्टेबल कपड़ा है। प्योर कॉटन तो नहीं है ये सारे, बट कॉटन वाला ही फील दे रहा है आपको। स्वेट फ्रेंडली और समर फ्रेंडली बिल्कुल परफेक्ट है। माइन और कॉटन में कुछ मिक्स जो होता है वो वाला कपड़ा है। कपड़ा बहुत सही है, इसमें रूने नहीं निकलेंगे जल्दी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसको 4.2 या 4.4 कोई भी एक ले लो यार, दोनों में से मैं कोई एक रेट कर। फिर से एक पिंक वाई वाली कुर्ती, क्योंकि पिंक लव्ड बाय एवरीवन, लिटरली एवरीवन। तो ये मुझे पड़ी 234 रुपीज की लोएस्ट प्राइस रेंज वाली कुर्ती है। एंड लेट मी टेल यू कि इसकी वाइब बहुत प्रिटी है, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे इसके जो नेक पे आया हुआ है डिजाइन, वह थोड़ी सी माइनर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कढ़ाई सी, और वो सेम एम्ब्रॉयडरी उसकी स्लीव्स पर भी हो रही है। तो वो इतनी ज्यादा मिनिमल है कि वो अपने आप में बहुत ही डिसेंट और बहुत ही क्लासी दिख रही है। बट स्टिल मतलब इसकी इसमें ये चीज होने के वजह से ना आप इसको रेगुलर भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही मिनिमल दी हुई है। बट स्टिल उसमें क्योंकि ये चीज भी दी हुई है, आप कोई स्पेसिफिक ओकेशन उसमें भी कैरी कर सकते हो। छोटा मोटा कुछ फंक्शन होता है, आज ये डे होता है कॉलेज में, वो डे होता है ऑफिस में, भी कितने डे होते हैं, एथनिक डे में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो उन दिनों पे भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनर एम्ब्रॉयडरी भी दी हुई है और एक साइड से फुल प्लेन दी हुई है। इसमें भी आप देखेंगे तो कर्व्स कितने प्यार से दिखाई दे रहे हैं आपको। फिटिंग एंड ऑल जो हमें हमेशा शिकायत रहती थी मीशो से, आई गेस मीशो ने बहुत काम किया है इस पे, और वो हमें मुझे हर हॉल में दिन पर दिन रिजल्ट दिख रहे हैं वाकई में। इसका एक्स्ट्रा स्मॉल आया है 34, तो मुझे क्योंकि जैसा मैंने बोला कि कुर्तीज माइनर लूज भी चल जाती है, तो पैसा वसूल चीज है ये, समरिश वाइब दे रही है, तो मेरी तरफ से तो फुल पास है ये, तो मैं इसे 4.8 स्टार का रेटिंग। पर ये 234 रुपीज की, और एक्चुअली इसका जो ऑरेंज है वो फोटो में ना प्रॉपर ऑरेंज नहीं लग रहा था, चटक ऑरेंज नहीं होता, थोड़ा दबा हुआ डार्क जो हल्दी पीले की तरफ कुछ जाता है। रिसीव ये बिल्कुल चटक, जो सिंदूर हनुमान जी लगाते हैं ना, वैसा ऑरेंज रिसीव हुआ है। सो मुझे कलर में माइनर लगा कि वो मतलब थोड़ा सा वो चटक होता है, तो उतनी डिसेंट वाइब नहीं देता। कुर्ती अच्छी है बट वो एक डिसेंट फीलिंग नहीं आती है पहन के, क्योंकि उसका कलर बहुत चटक है। मैंने मंगाया हुआ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ही, लग तो रहा था कि माइनर साइज इसका जो थोड़ा बनियान टाइप का हॉजरी कॉटन नहीं होता, एकदम बनियान टाइप के कपड़े से कुछ वैसी फीलिंग आ रही है मुझे इससे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो कमर वेस्ट साइड पर ये जो सेक्शन है ना, अगर माइनर थोड़ा फिटिंग का होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता। 3/4 स्लीव्स है इसकी, स्लीव्स प्लेन दी हुई है, बैक से भी बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है। चुन्नटों वाला नीचे जो अनारकली का बिट पैटर्न होता है वो दिया हुआ है, यानी कि ये जो वाली फुनने वाली चीजें होती है ना, वैसा लगता है कि अच्छी भली क्लासी चीज को भी ना एकदम बेकार सा बना देते हैं। फुल समरिश वाइब, बहुत कम्फर्टेबल है, कोजी है, तो मैं इसे 4 स्टार का रेट दूंगी, क्योंकि कलर मुझे मायना थोड़ा रिसीव हुआ अलग, और मैं इसके साथ भी खुश नहीं हूँ, बट क्वालिटी और वैसे सब अच्छा। नेक्स्ट है हमारी हाईएस्ट प्राइस रेंज वाली कुर्ती, ये है 369 रुपीज की। मैंने मंगाई है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में, बट इसका एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे थोड़ा आया तो एक्स्ट्रा स्मॉल ही, बट मुझे थोड़ा लूज हो रहा है। ये कर्व्स तो इसमें प्रॉपर दिए हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल की बजाय स्मॉल भी कैरी करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप एक्स्ट्रा स्मॉल ही मंगाइएगा, क्योंकि ये आपको अच्छे से फिट हो जानी है। 3/4 स्लीव्स दी हुई है, प्रिटी सी आप देख सकते हैं कि इस पे जो लेस बना हुआ है ना, बहुत नेक पे भी दी हुई है, फ्रंट पे भी दी हुई है, स्लीव्स पर भी दोनों साइड दी हुई है, तो बहुत ही प्रिटी लग रही है। आई मीन वो एक वाइब ऐड कर रही है इस कुर्ती में आई गेस, और इसका प्रिंट तो वैसे ही बहुत प्रिटी लग रहा है। इसका प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ी एकदम बोहो वाइब दे रहा था मुझे, काफी क्यूट लग रहा था, काफी एथनिक फीलिंग दे रहा है मुझे इसका प्रिंट, तो बड़ा ही अच्छा लगा। ये चीज जो बहुत ही वाइब ऐड कर रही है मुझे, वो चीज अच्छी लगी इसमें। मुझे ऐसा भी लगा था कि मैं इसे अपना बोहो ड्रेस बना सकती हूँ, बूट्स के साथ कैरी करूंगी तो अच्छा लगेगा। नीचे साइड भी इसमें लेस दी हुई है, तो काफी सही लग रहा था मुझे। इसकी वाइब ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही थी, रेड कलर के पटियाला के साथ कैरी कर सकते हो, रेड कलर के, मेरे ख्याल से लगता है इस तरह की कुर्ती ना पटियाला और धोती पैंट के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, इन कंपैरिजन टू लेगिंग्स, और जीन्स के साथ तो वैसे भी अच्छी लगती है। कुर्ती बिल्कुल पास है, और मैं इसे 4.6 स्टार का रेट कर रही हूं। पिंकी पिंक आ गया, ये पड़ा है हमें 248 रुपीज का, और इसका भी बांधनी प्रिंट ही है, बट ये काफी सटल और प्रिटी वाइब दे रही है। आई मीन यू कैन कैरी इट इन योर ऑफिस, कॉलेज, आई गेस ये कॉलेज में ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो गोटा पट्टी दी हुई है ना, तो मुझे लग रहा है ऑफिस में थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट जोन और वाइब की आपके यहाँ क्या चलता है और आप कितनी कंफर्टेबल हो। तो मैं कंफर्टेबल है और लाइट वेट है,
जो जितना लाइट वेट है बोल रही हूँ उससे माइनर थोड़ा सा वेट है, बट पहन के बहुत सही जा रहा है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि बहुत कुछ हैवी सा कैरी कर लिया, ऐसा नहीं लग रहा है। सो बहुत सही जा रहा है। स्मॉल आया लेकिन इसका स्मॉल 36 है, तो सी ये ब्रांड टू ब्रांड से डिपेंड करता है, लोकल वाले जो होते हैं ना ब्रांड्स इनका यही है, किसी का स्मॉल 36 है, किसी का स्मॉल 32 है, किसी का स्मॉल 34 है, तो बस यही चलता रहता है इनका। तो यस ये 36 है, बट मुझे बहुत ज्यादा लूज नहीं आ रही थी पहन के। या इसका स्लीव्स भी 3/4 है, यहाँ भी गोटा पट्टी दी हुई है, वो मेरा रंग दे बसंती चोला। बट मैं मेरी तरफ से इसको दूंगी 4-स्टार रेटिंग। मुझे नहीं पता, शायद मुझे इसकी वाइब मेरे ऊपर उतनी खिलके नहीं आ रही, वैसे तो अच्छी लग रही है बट शायद मुझे उतना मजा नहीं आया। लास्ट कुर्ती जो मुझे पड़ी है 246 रुपीज की। ये कुर्ती तो बहुत सही है, इसका कलर काफी खिल रहा है, मतलब कुछ ज्यादा खिल 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 के आ रहा है, लेकिन मुझे इसकी जो एक चीज अच्छी नहीं लगी, मैं पता नहीं नेगेटिव पॉइंट्स पहले क्यों बोल रही थी। इसका स्मॉल साइज मैंने मंगाया, एक साइज छोटा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर आप मुझसे एक बड़ा साइज पहनते तो आई बिलीव आपको अच्छे से आ जाएगा ये। एंड आई मीन जो लोग 34 और शायद 36 भी कैरी करते हैं उनको भी ये आ जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। नेक दे सकते हैं, यू नेक है इसका एंड 3/4 स्लीव्स है इसकी। फुल प्लेन प्रिंटेड कुर्ती ही है ये, सिर्फ आगे ये जो चीज दी है ना बस ये मुझे पसंद नहीं आ रही। आई मीन इसके बटन भी सही लग रहे हैं बट ये जो फुन्ने लटक रहे हैं ना, जैसे पिछली वाली कुर्ती ही बोला था, फुन्ने मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ही लो क्लास वाली फीलिंग देते हैं। आई मीन बहुत वियर्ड लगते हैं फुन्ने, मुझे अच्छे नहीं लगते, एक तरीके के फुन्ने भी आते हैं बट ये फुन्ने मुझे अच्छे नहीं लगते। सो हम इसे हटा के पहन सकते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा वो, ये फुन्नों के साथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी कुर्ती का कलर प्रिंट काफी सही है, इसको भी 4-स्टार का रेट करूंगी। एंड या तो इसके साथ हमारा हॉल होता है, इसके साथ हमारा हॉल होता है समाप्त। आई होप आपको ये हॉल पसंद आया हो, काफी ज्यादा अफोर्डेबल था। आप नेक्स्ट क्या देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिएगा, क्योंकि मीशो पे ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है कलेक्शन को ढूंढने में, और मैं ना स्टाइल्स और क्वालिटी दोनों के साथ ही कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और आप सबका ख्याल रख के और अपना भी ख्याल रख के मुझे बजट भी ध्यान देना होता है, और तीनों चेक एक साथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली मीशो पे। फिर भी मैं बहुत धूड़ धाड़ के आप लोगों के लिए अच्छा सा कलेक्शन लाती हूँ, तो यार मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।